Hello dear students, welcome to the class today. So how are you all doing? Hope you all are doing fine. So children, as you know, we are carrying on with the geography second chapter, Inside the Earth. Yesterday I had shown you the interiors of the earth, pura earth ka structure maine aapko book mein se hi dikhaya, and we have also understood and we came to know about the different kinds, different layers of earth. Sabse upar mein kya hai? Crust. And sabse andar mein kya hai? Core. Yes, this is what we have tried to understand in the last class, jahan pe we have clearly understood about the earth's crust, the mantle, the outer core and the inner core. When we are understanding this, jab hum isko samajhne ki koshish kar rahe hain, along with that, some of the facts that we should know, we have to understand this fact that how does the earth functions? अर्थ का काम किस तरह से चल रहा है, ये हमको समझने की कोशिश करनी. फॉसिल्स आर देयर. फॉसिल्स में क्या है? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स. फॉसिल्स का भी एक है, आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ. यस्टरडे लॉट ऑफ वर्ड मीनिंग्स वी हैव डन, एंड द डीपेस्ट माइंड इन ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड इज, वेयर इज इट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीका. राइट, हमने अफ्रीका के बारे में बात किया था. 4 किलोमीटर्स डीप तक खुदाई की गई है, 6 किलोमीटर, उसके नीचे नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट. इट्स सो हीटेड एंड इट्स सच अ प्रेशर, जो भी जाएगा वो मर जाएगा. सो ह्यूमन लाइफ डेफिनेटली इज मोर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई पीपल डू नॉट गो इन डेप्थ. ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं की लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं की. ऊपर ऊपर में रह के रिसर्च वर्क करके द पीपल केम बैक. गॉट इट? तो अफ्रीका के बारे में वी हैव अंडरस्टूड, एंड इफ वी हैव टू गो टू द कोर, 6,000 किलोमीटर्स डीप जाना है, 4 किलोमीटर्स के बाद तो आदमी की हालत खराब होने लग गई. सो दिस इज देयर इग्नियस रॉक. वी हैव अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस एंड इंट्रूसिव इग्नियस. आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट. टूडे वॉट वी आर स्टडिंग इज, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेडिमेंटरी रॉक्स. ठीक है, लावा निकला. द लावा कम्स आउट फ्रॉम द वोल्केनो, इट्स वेरी हीटेड. वहीं पे व्हेन एज सून एज इट कम्स आउट, इट इज फॉर्म इन अ सॉलिड फॉर्म. ठीक है, वोल्केनो से निकलते ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड इट इज गॉट लॉट ऑफ बर्निंग क्वालिटीज. ठीक है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है. दिस बर्निंग क्वालिटीज दैट आर देयर, इट इज मेकिंग इट इंट्रूसिव रॉक्स. एक्सट्रूसिव, बाहर आके जम गए. कुछ रॉक्स होते हैं, इट्स सम ऑफ द लावा दैट इज देयर दैट सेडिमेंट दैट इज सॉलिडिफाइड इनसाइड ओनली. ठीक है, वो अंदर ही अंदर जम जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रूसिव. अंदर रह गए इंट्रूसिव, बाहर आ गए एक्सट्रूसिव. गॉट इट? रॉक्स क्या करते हैं? दे रोल डाउन, दे क्रैक एंड हिट ईच अदर. रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर. एक दूसरे से रगड़ खाते हुए ये रॉक्स नीचे चले आते हैं, नीचे आते जाते हैं, एंड आर ब्रोकन डाउन, छोटी छोटी पीसेस में टूट जाते हैं, एंड break down in small segments. In rock pieces ka chote chote tukde hote hain, it is called as said. Aur jahan ki kya hota hai, these smaller particles, ye jo chote wale rocks hain, which goes and settles down somewhere down, pahadon ke upar jo rocks hai, igneous hai, bilkul lava ekdam pahad se nikal ke wahi jam gaya, igneous. नीचे आके इट हैज सेटल्ड, इट इज सेडिमेंट. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड
सेडिमेंट्स. गॉट इट? इनको हम सेडिमेंट्स कह रहे हैं. एंड सेडिमेंट्स क्या होता है ना, दे आर ये बिकॉज दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, छोटी छोटी पीसेस हैं. सो इट कीप्स ऑन मूविंग. द सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वॉटर एटसेट्रा. सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड वॉटर एटसेट्रा. ठीक है, हवा चली, बारिश हुई, दीज सेडिमेंट्री रॉक्स ना कीप्स ऑन मूविंग. तो ये जो छोटी दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स. कंप्रेस्ड मतलब बिल्कुल पास में आ जाते हैं, फिर एक दूसरे से बहुत हीट होती है. व्हेन एक्सट्रीम हीट इज देयर देन दीज रॉक पीसेस दे मिक्स विथ ईच अदर. दीज सेडिमेंट्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड. द सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड. गॉट इट? And hardened to form layers of rocks. And hardened to form layers of rocks. Rock pieces, ये जो बड़े बड़े rock pieces बनते हैं, these rocks are called, ये जो sediment को मिला के छोटी छोटी पीसेस विच हैव गॉट द एक्शन ऑफ विंड एंड वॉटर एंड हीट, वो सब मिला के जब ये साथ में हो जाते हैं, देन दीज आर रॉक्स कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स. सो दीज रॉक्स आर सेडिमेंटरी रॉक्स. गॉट इट? ये जो रॉक्स हैं, इनको हम सेडिमेंटरी रॉक्स कह रहे हैं. जैसे कि सैंडस्टोन इज देयर. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. गॉट इट? सैंडस्टोन होता है ना, वो अब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं रॉक, एकदम सैंड, सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये जुड़ जाते हैं. व्हेन इट इज मिक्सिंग टुगेदर देन इट इज फॉर्मिंग एज सैंडस्टोन. सो सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. Sandstone is made from grains of sand. बालू के पीसेस से बनता है ये. एंड ये रॉक्स जो होते हैं, दे में ऑल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स. अब ये दीज रॉक्स द सेडिमेंटरी रॉक्स, बिकॉज इट कीप्स ऑन मूविंग ना, तो अलॉन्ग वाइल दे आर मूविंग, तो जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, वो भी इस रॉक में मिक्स हो जाता है. एज अ रिजल्ट दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल ऑफ, दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट वंस लिव्ड ऑन देम. इसी रॉक के, इसी सैंड्स पे ये प्लांट्स, दीज प्लांट्स एंड दीज एनिमल्स यूज टू लिव वंस अपॉन ए टाइम. नाउ इट इज कन्वर्टेड इन टू अ सेडिमेंटरी रॉक. गॉट इट? जमते जमते, सेडिमेंट मीन्स इट गेट्स डिपॉजिटेड. कंटिन्यूअस डिपोजिशन कॉजेज दिस काइंड ऑफ, कॉजेज टू मेक दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, दिस काइंड ऑफ रॉक्स. गॉट इट? सो आई होप द सेडिमेंटरी रॉक्स इज क्लियर. All these leftover pieces, when they join together, they form the sediments. When joined together and form a big piece of rock, that is called as sedimentary rock. Got it, children?
ओके नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज कि इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, ये जो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रॉक. तीन ही तरीके का हमको पढ़ना है. दीज आर चेंजिंग इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं? हाउ डज इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक? दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. ठीक है, देयर लॉट ऑफ हीट इज देयर, लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर. एंड जैसे कि क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइम स्टोन चेंजेस इंटू मार्बल. फॉर एग्जाम्पल, क्ले मिट्टी जो होती है, क्ले चेंजेस इंटू, क्योंकि ये जो मिट्टी है दिस चेंजेस इंटू स्लेट. स्लेट वो जो काली वाली होती है, दैट ब्लैक कलर का जो होता है, यस. And limestone changes into marble. And limestone changes to marble. Got it? Up, clay is changing into slate and limestone is changing into marble. This is how the changes are happening. Rocks, as you know, are very useful to us. Rocks ke bina hum life nahi imagine kar sakte. We cannot imagine life without the rocks. Different kind of rocks are needed for the human life. Got it? So, rocks are very useful to us. Rocks are very useful to us. Bahut zaruri hai. Okay? एंड हार्ड रॉक्स क्या होता है? दे आर यूज फॉर मेकिंग. हार्ड रॉक जो होते हैं, हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग. क्या बनता है हार्ड रॉक से? यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फ्रॉम हार्ड रॉक्स वी आर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग. Got it? These all structures made out of rock. Bina rock agar nahi hoga to ye sari cheeze nahi mil payengi. Ab ye hota hai that stones, many games mein aap stones bhi use karte ho. Pata nahi patthar ko use karke kabhi koi game khela hai ki nahi khela hai. Jaise ki wo hota hai na pitthu hota hai na, 7 stones ko rakhte hain ek ke upar ek and fir usko wo maarte hain. Fir ek group hota hai jo rokta hai that you cannot. Yes, that game. Now you remember. Then hopscotch होता है ना, वो हम खेलते हैं, किट 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 खेलते हैं ना, that stapoo that is there. उसमें भी we use rock pieces, छोटे छोटे rock pieces use करते हैं. Then एक होता है game, पता नहीं you all have played or not, 5 stones use करके ना उसकी गिट्टी खेलते हैं, ऐसे उछाल उछाल के खेलते हैं. ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ गेम्स आर देयर. और भी रॉक को यूज करके देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स. मेनी अदर गेम्स आर ऑल्सो देयर दैट आर प्लेड बाय यूजिंग द रॉक. नाउ व्हाट हैपेंस, वन टाइप ऑफ रॉक, एक तरीके का रॉक जो है ना, इट चेंजेस टू अनदर टाइप ऑफ रॉक. देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन वन टाइप ऑफ रॉक changes to another type, then there are
certain conditions. कुछ खास तरीके के कंडीशन रॉक्स चेंज डजंट चेंज इजली. सर्टेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर देयर विच आर नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक. जैसे कि इग्नियस रॉक चेंजेस टू मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री चेंजेस टू मेटामॉर्फिक और इग्नियस एंड सेडिमेंट्री टुगेदर मिक्स एंड चेंज टू सम अदर फॉर्म ऑफ रॉक. तो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक, प्लीज अंडरस्टैंड, रॉक्स चेंज हो रहे हैं ना भाई. लावा में से द मैग्मा दैट हैज कम आउट, दैट इज तो समथिंग इंपॉर्टेंट. वो चीज तो है ही, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. लेकिन व्हेन इट इज चेंजिंग देयर आर सर्टेन कंडीशंस, सो द प्रोसेस वी यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन. The process of transformation of rock from one to another is called rock cycle. क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल इट एज रॉक साइकिल. अब रॉक साइकिल को समझना बहुत जरूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पूरा का पूरा रॉक इज चेंजिंग, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ रॉक इज चेंजिंग. तो व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड? काफी सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी लर्नड. द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जो अंदर से जो हॉट रॉक इज कमिंग आउट, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स. When molten magma, देखो molten magma का नाम बार बार आ रहा है. This is the rock, पत्थर जो बिल्कुल पिघला हुआ है. Liquid form में जो पत्थर होता है उसको magma कहते हैं. Please understand. Simple में बता दिया मैंने, बार बार नहीं होना चाहिए इसमें problem. Okay? It solidifies, जैसे ही बाहर आता है, बाहर की हवा मिलती है, it solidifies into igneous rock. ठीक है, igneous rock में ये solidify हो गए हैं. And ये igneous rocks these are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये जो igneous rocks हैं, these igneous rocks are, ये igneous rocks जो हैं, इनको ये छोटी छोटी particles में हो जाते हैं, broken down into small particles that are transported, are broken into small particles. क्योंकि रोल डाउन हो रहे हैं, हवा चल रही है, वाटर इज देयर, सो एक्शन ऑफ विंड, एक्शन ऑफ वाटर, इसके वजह से क्या होता है, दीज पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड. स्मॉल पार्टिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फॉर्म sedimentary rocks. यहां से ये sediments में आ गए, sedimentary rocks बन गए. अब igneous and sedimentary rocks are, बहुत इस पे heat हो जाती है, काफी गर्मी पड़ती है. ठीक है, so when igneous and sedimentary, ठीक है, igneous rocks are there, sedimentary rocks are subjected
तो हीट, ठीक है, हीट आता है, प्रेशर आता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. हीट एंड प्रेशर, देन इट चेंजेस टू मेटामॉर्फिक रॉक्स. गॉट इट? जस्ट सी द कंप्लीट प्रोसेस इज देयर. इस प्रोसेस को आपको एक डायग्राम के थ्रू समझना है. दिस डायग्राम चिल्ड्रन आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ. कम लेट्स सी द डायग्राम. So students, just now we were talking about rocks, igneous rocks के बारे में हमने बात की. And igneous rocks तो कल भी हमने बात किया था. We have discussed about these two types of rocks, extrusive igneous and intrusive igneous rocks. इसमें जो Deccan Plateau है, Deccan Plateau is totally made up of igneous rocks. Maximum cement factories and maximum industries where the minerals are manufactured, it is all located and situated in the South India. ठीक है, that is intrusive and extrusive igneous rocks. Solid rocks are there and आज जो हमने पढ़ा, this is about the sediments. Sediment जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द एक्शन ऑफ विंड एंड विद द एक्शन ऑफ वाटर. जैसे जैसे पानी बहता है या हवा चल रही है बहुत तेज, तो जो छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स हैं, छोटी छोटी पीसेस हैं, दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस एंड देन दे सेटल डाउन. सेटलिंग ऑफ दीज स्मॉल रॉक पीसेस एंड देन दे गेट कंप्रेस्ड एंड देन दे चेंज इनटू सेडिमेंटेरी रॉक्स. ये जो है छोटी छोटी पीसेस मिलके एक बड़ा सा रॉक पीस बन जाता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंटरी रॉक. अब इसमें सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. ये रॉक्स जो हैं इसमें फॉसिल इज देयर, प्लांट्स, एनिमल्स, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कभी इसमें रहा करते थे. वंस अपॉन ए टाइम दे यूज टू लिव ऑन देम. अब जो रॉक्स में थे वो उसी रॉक में दब के एंड दे आर एम्बेडेड इन दैट रॉक. उस रॉक में वो रॉक पीस बन गया उसी के देयर. इट इज इनसाइड द रॉक ओनली. तो उसका क्या होता है ना कि विथ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स these kind of rocks, what happens, it gets converted into fossil fuel. Please understand, ये जो fuel बनता है ना, this is called as fossil fuel, जो कि इस plant and animals का जो है ना वो पूरा oil fuel बन जाता है, which is there inside the rock, जो कि हम extract करते हैं and then ये जो petrol, diesel आप ये सब जो देखते हो इसी से चलता है. Got it? तो ये हमने देखा. कल मैं आपको ये एक तस्वीर दिखाई थी. आई हैड शोन यू दिस पिक्चर विच इज टॉकिंग अबाउट सेडिमेंटरी रॉक विच इज टर्निंग इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. सेडिमेंटरी रॉक टर्न्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक एंड फॉसिल्स में क्या होता है ना, डेड प्लांट्स आर देयर एंड एनिमल्स आर देयर. वो रॉक के लेयर में ट्रैप हो जाते हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज द फॉसिल्स. ठीक है, इट इज़ देयर एम्बेडेड इनसाइड कॉल्ड एज द फॉसिल. नाउ व्हाट हैपेंस कि फॉसिल फ्यूल इज देयर एंड दीज फॉसिल फ्यूल्स इज यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसा तो नहीं कि थोड़े बहुत हैं, दे आर इन सच लार्ज नंबर. Everywhere you will find plants and everywhere you will find animals. इसी के साथ then the rock pieces are changed. When the rock pieces are formed, तो उसी के अंदर we are finding the remains of these animals and plants. जिसका कि हम इस्तेमाल करते हैं. कैसे इस्तेमाल करते हैं? We use them as the fossil fuels. Got it? Please remember.
सेडिमेंटरी रॉक्स आर देयर, सैंड स्टोन आप याद रखिएगा, देन क्ले इज चेंजिंग इनटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इज चेंजिंग इनटू मार्बल। अब रॉक्स का चिल्ड्रन प्लीज, हमने जैसे कि वी हैव जस्ट डिस्कसिंग अबाउट सम फॉर्म्स ऑफ गेम्स एंड सम फॉर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट, जहाँ पे वी आर यूजिंग रॉक्स, तो पिट्ठू होता है, स्टापू होता है और किटकिट होता है। दीज फाइव स्टोन्स के साथ हम गिट्टी खेलते हैं, मतलब यहाँ बता रहे हैं कि रॉक से बिग स्ट्रक्चर्स आर मेड एज वेल एज रॉक्स आर एन एंटरटेनमेंट मोड फॉर द किड्स ऑल्सो। छोटे छोटे बच्चों को रॉक के साथ खेलने में बहुत मज़ा भी आता है। दैट इज़ वॉट इज़ द मेजर थिंग मेंशन डियर, गॉट इट चिल्ड्रन। इसके बाद द अनदर थिंग इज़ दैट द बिग स्ट्रक्चर्स दैट आर मेड आउट ऑफ रॉक, रॉक से ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, लाइक ताज महल इज़ देयर एंड देन रेड फोर्ट इज़ देयर। ये देखो, दिस इज़ ऑल, ये दीज आर मेड फ्रॉम द रेड सैंड स्टोन, सैंड स्टोन से ये बना है, सेडिमेंटरी रॉक्स हैं ये, जिसमें से कि सैंड स्टोन को यूज़ करके इतने बड़े इतना बड़ा फोर्ट हैज़ बीन मेड एंड इट इज़ कॉल्ड एज द रेड फोर्ट, गॉट इट चिल्ड्रन। देन अब देख लो वाइट मार्बल, मार्बल की हम बात कर रहे थे, द इग्नियस एंड द सेडिमेंटरी रॉक्स व्हेन दे आर चेंजिंग दे आर कमिंग इन द शेप ऑफ मार्बल। आप ये देख लीजिए, बिल्कुल संगमरमर हम जिसको कहते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ रॉक। अब वी वर टॉकिंग अबाउट रॉक साइकिल, रॉक साइकिल कैसे बनता है। सबसे पहले मैग्मा कम्स आउट, मैग्मा अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, इट इज द रॉक इन द लिक्विड फॉर्म। बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े चट्टाने जबकि एकदम लिक्विड फॉर्म में होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैग्मा, गॉट इट। ये यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, दिस इज द वोल्केनो में से ये मॉल्टेन फॉर्म में मैग्मा इज कमिंग आउट, उसके बाद इट इज टर्निंग इनटू इग्नियस रॉक्स। देख रहे हैं आप, दिस इज इग्नियस रॉक, फ्रॉम यही इग्नियस के सेडिमेंट्स में चारों तरफ बिखर जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस इसके, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हर तरफ स्प्रेड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। इसको ये जब इसके ऊपर कंप्रेशन होता है, देन इट इज कॉल्ड एज सेडिमेंटरी रॉक। दिस इज द फॉर्म ऑफ रॉक दैट इज देयर, दैट इज फॉर्म्ड इन द सेडिमेंटरी फॉर्म। देन वी हैव द ये सेडिमेंट्स को जोड़ के, सेडिमेंट्स को मिला के व्हाट इज मेड इज द मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं इग्नियस रॉक। एंड ये सेडिमेंटरी रॉक से फिर मैग्मा बनता है, इग्नियस रॉक से भी मैग्मा बनता है। यू कैन सी ऑल दीज एरोज दैट आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स इन डिफरेंट मैनर्स। ठीक है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक भी बनता है एंड इग्नियस से सेडिमेंट्स भी बनते हैं। जस्ट लुक एट द रोटेशन ऑफ द रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक बनता है, सेडिमेंटरी रॉक जब टूटते हैं तो ये वापस से सेडिमेंट बन जाते हैं, इग्नियस रॉक जब ब्रेक होता है देन दे आर फॉर्म्ड इन द सेडिमेंट्स। तो ऑल द रॉक्स, इट इज अ कंप्लीट साइकिल दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर, और बार बार इनके फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते हैं एंड देन इट इज़ मेड इन अ न्यू फॉर्मेट, एक नए तरीके से ये बन जाता है, गॉट इट चिल्ड्रन। तो यही चीज़ आई वॉन्टेड टू शो यू, आई टोल्ड यू दैट आई विल बी शोइंग इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ। दिस वॉज द रॉक साइकिल, येस डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक इट इन योर नोटबुक, इसलिए इसको प्लीज़ आप बना लीजिएगा, दैट वुड बी गुड। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, यू विल बी स्टार्टिंग इट फ्रॉम मैग्मा, देन फ्रॉम मैग्मा यू गो टू द इग्नियस रॉक्स, फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स यू गो टू द सेडिमेंट्स
and from the sediments you go to the sedimentary rocks. From sedimentary rocks you go to the metamorphic rocks. Got it? This is how the rock cycle is running. And rocks, as you can see, lot of minerals are important to humankind. ये जितना भी minerals है, we are getting it all from the rock. ये सारा हमको rock से मिलता है, जैसे कि coal, natural gas, petroleum. Industries में भी rocks का इस्तेमाल होता है. The iron, the aluminium, the gold, uranium. This is all from the rocks. We are getting it. In the form of medicine also. So all these properties and chemical compositions that are there in the rock are very helpful for the mankind. Here we come to the end of the chapter, children. What we do is, in the next chapter we'll be discussing the question and answers. Okay, children, and we'll be starting a new chapter. So till then, children, thank you so much and all the best to you.